मैं हूँ आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा मैजिकल हेयर मास्क जो कि आपके बालों के लिए वरदान की तरह काम कर सकता है। तो इस हेयर मास्क को हम प्रिपेयर करेंगे हिबिस्कस फ्लावर से, गुड़हल के फूल से। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम इसका फ्लावर लें या पाउडर लें, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर रखी है। इसमें हमने हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसका यूज़ किया है, गुड़हल की पत्तियां यूज़ की हैं, साथ ही साथ जो इसका फूल होता है उसको यूज़ करके हेयर पैक प्रिपेयर किया था। और इस वीडियो को, इस हेयर मास्क को ढेर सारा प्यार मिला है। आज मेरी ये वीडियो पहुँच चुकी है 150K प्लस, और जो रिजल्ट मिला है लोगों को अमेजिंग मिला है। उनका हेयर ग्रोथ प्रमोट हुआ है, साथ ही साथ हेयर फॉल डिक्रीज हुआ है और ख़त्म भी हो गया कई लोगों का। लेकिन फ्रेंड्स, कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके पास जो हिबिस्कस का प्लांट है या फूल या पत्तियां अवेलेबल नहीं है, वो लोग क्या करें। तो मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उसमें भी हम हिबिस्कस की हेल्प से ही हेयर पैक को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए गुड़हल की फ्रेश पत्तियां या फिर फूल की जरूरत नहीं है। तो आज हम इसको प्रिपेयर करेंगे हिबिस्कस पाउडर से, जो फूलों का, जो पत्तियों का पाउडर होता है उसकी हेल्प से हम इस हेयर पैक को प्रिपेयर करेंगे। और फ्रेंड, जो ये हेयर पैक है ये भी आपके बालों के लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा जितना अगर आप हेयर पैक प्रिपेयर करोगे फ्रेश गुड़हल की पत्तियों से या फूल से। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इस अमेजिंग मैजिकल हेयर पैक को आपको प्रिपेयर करना है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, साथ ही साथ इसको कैसे यूज करना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं अपने वीक में 3 डेज वीडियोज लेके आती हूँ। वो हेयर केयर, स्किन केयर, अमेजिंग से DIY रिलेटेड वीडियोज होते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो प्लीज सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि समर्स आ चुके हैं और समर्स में बहुत लोग होते हैं जो कि ऑयलिंग करना अपने बालों में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनको ऑयलिंग करने से और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, या फिर जो उनका हेयर फॉल है वो इंक्रीज हो जाता है, ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसे ऑयलिंग करने से हेयर फॉल इंक्रीज नहीं होता, ये आपकी गलत फहमी है। तो आपको ऑयलिंग की जगह पर ऐसे हेयर पैक को अपने बालों पे अप्लाई करना चाहिए। तो जो ये हेयर पैक है क्या क्या काम करने वाला है, सबसे अच्छा एडवांटेज का ये है कि ये आपके हेयर फॉल को डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे आपका हेयर फॉल नाक के बराबर होने लगेगा। सेकंड, ये आपके हेयर ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, अगर आपके हेयर ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। थर्ड, आपके बालों को सिल्की बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, और साथ ही साथ आपके बालों में शाइनिंग लेके आएगा, आपके बालों को हेल्दी रखेगा। अगर आपके बालों में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको दूर करने में भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके डैंड्रफ को दूर करता है। तो इसके बहुत ही अमेजिंग एडवांटेजेस हैं। जो सबसे अच्छा एडवांटेज फ्रेंड यही है, जो कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी, कि हेयर फॉल, ये आपके हेयर फॉल को बहुत ही अच्छे से दूर कर देगा। तो ये होगा इसके एडवांटेजेस। अब हम देख लेते हैं कि इस हेयर पैक को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इस हेयर पैक को प्रिपेयर करने के लिए तो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज करना है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, वो है गुड़हल का पाउडर, हिबिस्कस पाउडर। ये आपको ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाएगा, मैं इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। हिबिस्कस पाउडर होता है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, साथ ही साथ इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो कि हमारे कोई स्कैल्प इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है। विटामिन सी से हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, साथ ही साथ हमारा हेयर फॉल डिक्रीज होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है हिबिस्कस पाउडर, आप किसी भी ब्रांड के हिबिस्कस पाउडर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और जब आप हिबिस्कस पाउडर को ओपन करेंगे तो आपको एकदम जो हिबिस्कस फ्लावर में स्मेल आती है, खुशबू आती है गुड़हल में, वैसी खुशबू आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ये मालूम होता है कि ये हिबिस्कस पाउडर एकदम फ्रेश एंड नेचुरल है। उसके बाद आपको लेना एक बाउल और उसमें आपको ऐड करना है हिबिस्कस पाउडर की 5 to 6 स्पून। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो हिबिस्कस पाउडर की क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 6 to 7 स्पून हिबिस्कस पाउडर। मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाउडर की क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जो इसकी टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है, आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर है। और साथ ही साथ इसका कलर है वो भी थोड़ा सा रेडिश कलर का है, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वैसा ही इसका कलर है थोड़ा सा कलर। तो हमने एक बाउल में हिबिस्कस का पूरा पाउडर कलेक्ट कर लिया है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है कर्ड, दही। अब दही की जो क्वांटिटी लेनी है आपको वो उतनी लेनी है कि हमारा जो हेयर पैक का एक मेहंदी फॉर्म की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो मैं इक्वल अमाउंट में जितना मैंने यहाँ हिबिस्कस पाउडर लिया है उतना ही मैं यहाँ पर कर्ड यहाँ पर यूज करने वाली हूँ।
तो मैंने कर्ड की यहाँ पर यूज़ की है 5 to 6 स्पून। तो कर्ड की क्वांटिटी भी, दही की क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो कर्ड होता है हमारे बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है, नरिश करता है, कंडीशनिंग प्रोवाइड कराता है हमारे बालों में, हमारे बालों का जो रूखापन है, डलनेस है, फ्रिजीनेस है, उसको दूर करता है। अब जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो है हनी, शहद। शहद हमारे बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज कराता है। अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, रफ हो चुके हैं, आपके बाल झाड़ू जैसे हो चुके हैं, तो हनी उसके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो मैं हनी की यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून। मैं बड़ी वाली स्पून भर के यहाँ पे हनी की यूज़ करूँगी। इससे हमारे बाल मॉइस्चराइज रहेंगे, नरिश रहेंगे और साथ ही साथ हमारे बालों में एक अलग सी शाइनिंग आएगी। अब तो लास्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इस मास्क को फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, फ्रेशली अपने बालों पे अप्लाई करेंगे, या आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसकी यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून। एक भर के टेबल स्पून मैं एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल हमारे बालों को मॉइस्चराइज प्रोवाइड कराता है, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ हमारे हेयर फॉल को रोकता है और हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बनाता है। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट को एक बाउल में कलेक्ट कर लिया है। अब आपको इनको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स तब तक करना है कि जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो मेहंदी फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर आपको लगे जो आपका हेयर पैक है थोड़ा थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, तो आप चाहें तो थोड़ा कर्ड ऐड कर लीजिए। अगर आपको कर्ड ऐड नहीं करना है, दही अगर आपको नहीं ऐड करना है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक पेस्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हेयर पैक बनके रेडी हो गया है। हम देखते हैं कि इस पैक को हम कैसे अपने बालों में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कोई आपको पुरानी सबसे पहले टी शर्ट पहन लेनी है, कोई टॉप पहन लेना है, जैसे जब इस हेयर पैक को आप अपने बालों में लगाएं तो इधर इधर ये गिरेगा, पक्का गिरेगा, तो जिससे आपके कपड़े खराब ना हो तो आप पुराना कोई टॉप पहन लीजिए। उसके बाद आपको अपने बालों को रिटेंगल कर लेना है, सुलझा लेना है, जिससे जब आप इस पैक को अपने बालों में लगाएं तो उसके दौरान आपके बालों में ये फंसे ना, इजिली लग जाए, और साथ ही साथ हेयर वॉश करते टाइम भी इजिली पैक निकल जाए। वैसे जो ये पैक है बहुत ही इजिली आपके बालों से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। आपने अपने बालों को रिटेंगल कर लिया, उसके बाद आपको अपने बालों का थोड़ा थोड़ा पार्टीशन लेके इसको अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। जैसे अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करते हैं, आपको सेम उसी तरीके से आपको इस हेयर पैक को अप्लाई करना है। आपको स्टार्ट करना है स्कैल्प से, स्कैल्प को अच्छे से कवर करने के बाद आपको अपने हेयर लेंथ में अप्लाई करना है। अगर आप इसको एज ए कंडीशनर यूज करने वाले हैं तो हेयर लेंथ में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और अगर आप इसको एज ए नॉर्मल, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो अगर आप स्कैल्प पर भी अप्लाई करेंगे तो कोई इशू नहीं है। हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ के लिए आप स्कैल्प अकेले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने बालों में शाइनिंग चाहिए, आपके बाल हेल्दी बने, स्ट्रांग बने और स्मूथ बने, तो आपको इसको हेयर लेंथ में भी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपके बाल शाइनी, स्मूथ और हेल्दी बनेंगे। तो मैं इसको स्कैल्प के साथ साथ पूरे नीचे हेयर लेंथ में भी अप्लाई कर रही हूँ, हेयर टिप में भी अप्लाई कर रही हूँ। हेयर टिप में भी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बाल रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, वो नीचे हेयर टिप से ही होना स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने अपने पूरे बालों में इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। स्कैल्प को जरूर अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे हेयर ग्रोथ होती है, हमारा हेयर फॉल होता है, वो स्कैल्प से ही होना स्टार्ट होता है। तो स्कैल्प और हेयर लेंथ मैंने अच्छे से इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और आप उसके बाद आपको बना लेना है एक बन, और बन बना के आपको रखना है अराउंड 1 घंटे के लिए, 40 to 55 मिनट्स के लिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मिनिमम आपको रखना है 45 मिनट्स और मैक्सिमम आप 1 से 1.5 घंटा रख सकते हैं। अच्छे से आपको अपने बालों में रखने के बाद आपको 1 घंटे के बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश में आप पहले पानी से इसको वॉश कर लीजिए। जब आप इसको पानी से वॉश करेंगे तो ईजिली सारा जो हेयर पैक है वो रिमूव हो जाएगा, बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा और स्मूथली रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपको कोई माइल्ड शैम्पू लेना है, आप माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। अगर आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपको अपने बालों को ड्राई कर लेना है नॉर्मल पंखे की हवा में, आपको ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद जो आप रिजल्ट देखेंगे, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आप बोलेंगे वाओ, मतलब मज़ा आ गया। आपके जो बाल हाथ हैं बालों से नहीं निकलेंगे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचें कि आपका जो हेयर फॉल है मतलब चुटकियों में गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहली बार में जो रिजल्ट है दिखना स्टार्ट होगा, मतलब आपका जो हेयर फॉल है पहले से थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा, आपके बाल
डेफिनेटली वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। लेकिन जो हेयर ग्रोथ है और जो हेयर फॉल है वो तभी अच्छा होगा जब आप इसको कंटिन्यूसली रिलीजियसली थोड़े दिन तक यूज़ करेंगे। आप इसको 3 से 4 बार यूज़ कीजिए, आपको अपने आप ही जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखेगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो डिक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा, डेफिनेटली प्रमोट होगा। जो मैंने ये सेम हेयर पैक आपके साथ फ्लावर्स से और जो लीव्स की हेल्प से प्रिपेयर किया था, वहाँ उस पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, उनका हेयर ग्रोथ प्रमोट हुआ है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप इस हेयर पैक को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा और जो रिजल्ट मिलेंगे आपको अमेजिंग मिलेंगे और बहुत ही अमेजिंग है। आप जो गुड़हल का फूल है, इसके जो एडवांटेजेस है ना हमारे बालों के लिए, आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत अमेजिंग एडवांटेजेस हैं। मैं मतलब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि सच में ये हेयर पैक बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस हेयर पैक को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। और अगर आपको रिजल्ट मिले तो आपको क्या करना है, आपको वापस मेरे चैनल पे आना है और आके कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हेल्थी बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।